नमस्कार, मैं विक्रम कुमार बागड़े। मेरे इस चैनल पर मैंने आज से पहले सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाली थी और ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ फैक्ट की वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर डालूंगा। और हर यूट्यूबर का या हर व्यक्ति का ही सपना होता है वीडियो डालने से पहले कि उसका चैनल ग्रोथ करे और वो चैनल पर आगे बढ़े, लेकिन शॉर्ट वीडियो के ज़रिए ये ऐसा हुआ नहीं। और मेरी भी कुछ गलती थी कि मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करा, कुछ परेशानियों के कारण, कुछ निजी जीवन में आ जाती है हर व्यक्ति के, उसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब इस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊँगा। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी तरीके से मेरे जीवन को, मेरी लाइफ को मैं जीता हूँ, उसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताऊँगा। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन को पसंद करता है या हर व्यक्ति अपने जीवन से उदास रहता है, दो ही पहलू होते हैं। तो मैं जैसा भी मेरा जीवन जीता हूँ और जैसा भी मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ के बारे में, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरे जीने का तरीका, जो मैं काम करता हूँ, वो सब आपको पसंद आए। ये मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो है और इसको मैं आज मेरे घर से शूट कर रहा हूँ। और लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इंडिया में आज ब्लॉगिंग चैनल जो है उनको बहुत सारा लव मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। और पहले ये ऐसा सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में ऐसे ही घर में बैठ के रिकॉर्ड करेगा या कुछ ऐसी चीज़ें करेगा तो उसको इतना प्यार मिलेगा। हाँ, ब्लॉगिंग होती थी पहले, कुछ लोग फूड ब्लॉगर होते थे जो जगह जगह जाकर स्ट्रीट फूड को कवर करते थे, उनकी वीडियो बनाते थे। कुछ लोग अच्छे रेस्टोरेंट की वीडियो बनाते थे, जो मतलब फूड ब्लॉगिंग जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था इंडिया में कई समय से, तो उसको बहुत सारा प्यार मिल रहा था। फिर कुछ जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो घूमने के शौकीन होते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाते थे, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में घर में रहकर वीडियो बनाना और उसको इस तरीके से इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है और लोगों ने उसको इतना प्यार किया। और लोग, कई लोग हैं ऐसे यूट्यूबर जो आज के समय में इंडिया में टॉप पर हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब पर। मेरा सीन ऐसा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर वो चीज़ करूँगा, क्योंकि मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ और जब भी घर पे रहूँगा तो घर की वीडियो डालूँगा, या जब मैं कहीं पर ट्रेवलिंग करता हूँ, क्योंकि मैं पेशे से, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ और लॉ करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। आप सभी को होता है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, मैं अंडर कैटेगरी आता हूँ रिजर्वेशन के, SC के, शेड्यूल कास्ट के, बट मैं जो आज का रिजर्वेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ कुछ परसेंटेज लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है जिसमें वो बहुत बड़े लेवल के होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि या तो आरक्षण को आप आर्थिक स्तर पर करें या फिर आरक्षण में क्रिमिनल लगाएं। और इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लगाई, इसके लिए मैंने सड़क पर आंदोलन भी किया और मेरे समाज के जो लोग हैं उनके पास जा जाकर इस चीज़ के लिए उनको मैं आगे भी कर रहा हूँ, उनकी मन में चेतना जगा रहा हूँ। और साथ ही जो मेरे समाज के बच्चे हैं, आदिवासी समाज के बच्चे हैं, दलित समाज के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा का काम भी कर रहा हूँ, उनके लिए मैं जितना हो सकता है वो सारी चीज़ उनके लिए करने की कोशिश करता हूँ। तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी जो लोग की पढ़ाई है उसको मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं कहाँ पर ट्रेवलिंग करता हूँ, किन लोगों से मिलता हूँ, किस तरीके से मेरा सफ़र होता है, किस तरीके से मेरी जर्नी होती है, उस सब के बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और जितना हो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। मेरा एक और चैनल है हरि का जन विक्रम नाम से है और उसमें मैं जो करंट इशू होते हैं हमारे देश से रिलेटेड, उसमें मैं जो उस विषय पर, उस मुद्दे पर जो मेरी राय होती है, जो मेरे विचार होते हैं आरक्षण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, तरह तरह की जो हमारे देश में गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर मैं, मेरे जो विचार होते हैं, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का हक है, मैं भी रखता हूँ मेरे उस यूट्यूब चैनल से। वहाँ पर मुझे लोगों का प्रेम मिला हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, इतना नहीं मिला है लेकिन मुझे सुनने वाले हैं वहाँ पर, ऑडियंस हैं, तो मैं उनके सामने मेरी बात रखता हूँ। यह चैनल मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मैं जहाँ पर जाता हूँ, मैं किस तरीके से खाना खाता हूँ, तमाम तरीके की चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपके सामने रखने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँ और मैं उसको आज से शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो आप इसको जितना सपोर्ट कर सके करें और यही आशा करूँगा कि आपको मेरा ये चैनल और इसकी वीडियोज़ जो आने वाली है वो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।